कहाँ चले गए तो क्या छुपा रहा है ले? अरे मेरे बाप क्यों माला है ले? एकदम नीले नीले आके उसके एकदम ऐसी चलती ना मेरे गुर्दे में ना था खट खट आवाज। अब ये तो वो खूबसूरत है तो तेको क्यों मिर्गी आ रही इतनी बुरी बुरी सिर झोड़ रहा हाथ पांव झोड़ रहा तेनिया मेरे तरफ देख के हंस रही थी बगी मैं क्या करूं अल्लाह मैंने मुझे इतना खूबसूरत बनाया बाकी मैं क्या करूं अरे मेरे बाप मैं क्या बताऊं इधर ही आ रही वो नीले आके तो नीले आके अरे मेरे बाप अरे बाप किने फतवा फेंका क्या था ऊपर से यार चल बुला के ला उसको जाके उन्हें तो आ जाओ ना आ जाओ ना मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख देना तेरे आने की खुशी में मेरा दम न निकल जाए इसको देख के तड़फड़ रहा था मुर्गी के जैसा क्या रे और क्या नाम है तुम्हारा माधुरी दीक्षित माधुरी दीक्षित माधुरी दीक्षित ए बाबा डॉक्टर इसको हटा तो मेरे को खट्टी टकरा रहा है इसका मुंह देख के ये दवा खाने में छिछोता बना करता क्या रे हैं साइड में खड़े हो क्या नाम बताया तुमने माधुरी दीक्षित अरे तुम तो अबूदे भिस्कुट है काय को बिचारी को बदनाम कर दे तुम हाँ अगर उसने तुमको देख ली ना अरे मेरे बाप रे बाप ऐसा लेनी जहर की बुकनिया ने फक से फाकेंगी और वहीं पे टंगड़े रगड़ रगड़ के मर जाएंगी मालूम है क्या माधुरी दीक्षित बोले वाह दे वाह तुमको बीमारी क्या है उत्ते बात करो तुम मत करो मेरे सामने तुमको समझा देगा इमलिया खा के आएगा तुम ए डॉक्टर ज्यादा बात मत कर मेरे साथ इंसान जब बीमार रहता ना जब ही दवा खाने में आता मेरी बीमारी क्या है वो छोड़ दिया दूसरे पे आता कर रहा पटार पटार तो ज्यादा फजीहत कम करो है तुमको समझा देता मैं हाँ नहीं तो क्या एक तो दवा खाने में आए हो ढला दे इधर उधर कर रहे आए मेरे कंप्यूटर को भी भयका दे तुम अगर अब तुमने अगर जरा सभी होठ इधर उधर करे ना तो तुम्हारे दोनों होठ में है ना कड़ी कोंडी फंसा दूंगा मैं अरे जान दो गुस्सा छोड़ो तुमको क्या हुआ मुझे बताओ देख रहे डॉक्टर इसका चिचोरा पना अरे कैप्सूल को दूर सरका मैं तो कच्चा ही निकल जाऊंगी बिगर पानी के देखा 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 एड़े ज्यादा लाइन से खड़े रहे अगर बेटा तेको इन्हें गट टकर के निकला ना तो कई भी उसके पेट में कोने कापते में बैठ के बेटा जिंदगी भर रोएगा तू मालूम है क्या ओह तुम ना एकदम ज्यादा छिछोरा पना कम करो दवा खाने में आए है तुम्हें रब जगह में नहीं आए ऐसे बात करते तुमको बीमारी क्या है तुमको बताओ बस मेरे को ना रोज सपने आते और मेरे सपने में ना सलमान खान भी आता और कैसे कहता मालूम है क्या चल शिकार पे जाएंगे और एक बार तो शाहरुख खान भी मेरे सपने में आया था शाहरुख खान और आया और मेरे को बोलने लगा कैसी है किरण मैं तो उसको देख के डर गई बाबा और हाँ डॉक्टर साहब बॉलीवुड है ना पूरे बॉलीवुड एक्टर मेरे सपने में और बॉलीवुड तो बॉलीवुड मॉलीवुड है ना मॉलीवुड उसका एक आसिफ अली बेला नहीं है क्या वो भी मेरे सपने में आता कौन आता है ओए मां क्या रे तूने इसके पीठ में बुक्का मारा कहते ये पहलवान भी आया था मेरे सपने में ये पहलवान भी आया था हैं देख दे क्या उसको कितना भयान है वो मालूम अगर तुम्हारे सीध में ऐसा खली मार दिया ना तो इतने कड़ जाएंगे जमीन में तुम एड़े एड़े बातें करते वहां पे दवा खाने में आके हां ये तो क्या शाहरुख खान आया था सलमान खान आया था ये आया था वो आया था वाह दे वाह अब कल तो तुम्हारे सपने में ये भी आएगा फिर मेरा कंप्यूटर भी आएगा ये देखो ये देखो ये देखो कैसा खुश होता वो हाँ ज्यादा खुश मत होना हंस मत ना ज्यादा थक जाएगा ना ये क्या आएगा मेरे सपने में जिस दिन मेरे सपने में आएगा ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी हाँ ये तो छोड़
पर तू जरूर आएगा डॉक्टर मेरे सपने में। ये मसाले के पान में काले सूखे, हाँ मेरे को डॉक्टर से छिछोरा बनने पे मजबूर मत करवाए, बोल देगा तुमको। हाँ और ये आड़े तीचे सपने देखना ज्यादा बंद करो, क्या खा के सोते तुम रात को, वड़े पाव खा के सोते क्या? हाँ तुमको कैसे मालूम कि वड़े पाव मेरे पसंद की चीज है? चलो ना वड़े पाव खाने। नहीं रे डॉक्टर, मेरा मामला बहुत सीरियस है, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चों का? तुम्हारी शादी हो गई? बात बताओ, तुम्हारी बारात आई थी क्या गई थी? ये डॉक्टर तू कुछ ज्यादा ही बोल रहे, ये मेरा शादी के बाद का केस है। तुमको खाब आते ना, हाँ शाहरुख खान सलमान खान आ रहे ना तुम्हारे खाब में, इसका एक ही इलाज है मालूम है क्या? मैं तुमको है ना इसका फोटो दे देता, रात को सोते टाइम है ना इसका फोटो देख लेना, हाँ उसके बाद तुमको खाब नहीं आएंगे, बस इसका एक ही इलाज बचे ले बस मेरे पास। और मेहरबानी करके तुम जाओ अब यहाँ से, आए क्योंकि तुमसे पूरी दुनिया हद गई, तो मैं का लग रहा है जाओ। काय का डॉक्टर है रे तू? गंज नाम सुनी थी मैंने तेरा, जैना डॉक्टर, जैना डॉक्टर, फालतू डॉक्टर है तू, जा रही मैं। अरे सुनो जी, हट रे कैप्सूल। जी बैठो जी। अरे क्या जैना, उसको भगा दिया, अच्छा वाला मूड बनेल था, नर्स रख लेता तो कम भगा लेती थी वो, सारा मूड खराब हो गया है। क्या तारीफ करता था, बोले ऐसे आख्यान ऐसा कलर, हाँ इतना बुद्धिगत का था वो, क्या सलाह पूछने की बात नहीं, अगर वो कुएं में झांक लेना तो बेटा सर से कुएं का पानी सूख जाता। मुकदम मेरे समझ में आया, नर्स रखना पड़ेंगी, एक यहाँ पे लेडीज लाना पड़ेंगी सलाह, जब काम बनेगा ये न तो ऐसी मरीज आएंगे और तू अलग खुश होया करेगा। क्या करना सलाह, नर्स लाता एक हाथ। नर्स का नाम ही मत ले तू, उसको लगा लेना, नहीं तो समझ ले काम भी नहीं होगा। मैं यहाँ से काम तेरा कब छूटेगा मालूम है क्या? जब तू दुनिया छोड़ेगा, समझ आता ना? अरे एड़े टीवी नहीं देखता क्या तू? हाँ एक ऐसी खूबसूरत औरत आती, सिर्फ इतना ही कहती हो मैंने ली तुम मिलो। हाय कैसे पैसे कमाती बेटा, वो देखा नहीं क्या तूने? हाँ अरे तू देख, तू बेटा अगर रोड के किनारे खड़े रह के दिन भर भी हाय हाय करेगा ना तो कोई एक रुपया तो छोड़, कोई देखो फिटकात भी नहीं देगा, समझ आता क्या? चल काम कर अपना अपना, एक काम कर अखबार में जा और एडवर्टाइज दे कि डॉक्टर जैन दादा के वहां पे एक खूबसूरत नर्स की सख्त जरूरत है, जा।